हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशु और आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले ओप्पो A11 कैमरे बैकअप एंड रिसेट कैसे करें। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखे रहे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको जो डेटा है वो कहीं पे स्टोर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मोबाइल जो है पूरी तरह से फॉर्मेट होने वाला है, डिलीट ऑल। तो सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही जाओगे यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे रिसेट टू फैक्ट्री सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से लिखा है इड्स ऑल डेटा, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। फिर 4 डिजिट पासवर्ड डालना है आपको, आपका जो भी पासवर्ड है वो। फिर यहाँ से इड्स डेटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको बस 2 बार क्लिक करना है। फिर ये अपने आप ही मोबाइल जो है वो पूरी तरह से रिसेट होने लगेगा। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मोबाइल को देखे रहना है। और हो सके तो आपके मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज रखिए, क्योंकि ये रिसेट होने में बहुत टाइम लेता है। और मैं वीडियो स्किप करके बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो दोस्तों ये प्रोसेस होने के बाद जो सेटअप है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वो ज़रूरी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अपना मोबाइल स्टार्ट करने के लिए वो सेटअप बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको जो कंट्री दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट लैंग्वेज, सिलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर से एक बार कंटिन्यू करना है दोस्तों। जैसे ही कंटिन्यू करोगे कनेक्ट टू वाईफाई, इसको स्किप कर देना है, इसको भी कंटिन्यू करना है आपको। यहाँ पे आपको स्किप और कंटिन्यू 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा करके यही यूज़ होते हैं, कंटिन्यू वाला और स्किप। फिर यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है गूगल सर्विस को, एक्सेप्ट। फिर यहाँ से स्किप स्किप कर देना है, फिंगरप्रिंट फेस, ये सब बाद में आप सेटअप कर लेना, क्योंकि अभी एक बार आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाए। यहाँ से कंटिन्यू कर देना है आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ओल्ड फोन एंड सेट न्यू फोन, तो दोस्तों आप न्यू फोन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी हमने रिसेट किया है। तो और ये ऐप्स भी आप फिर कभी इंस्टॉल कर लेना, स्किप कर लेना है अभी यहाँ से। और ये रिसेट होने समय आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं करना है इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है और यहाँ से लिखा है गेट स्टार्ट, मतलब हमारा जो बैकअप एंड रिसेट का प्रोसेस था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अभी हम चेक करेंगे इसमें जो हमारा डेटा था गैलरी में, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस कुछ थे वो गायब, मतलब डिलीट हुए कि नहीं, तो अभी जाके देखते हैं दोस्तों। और ये थोड़ा टाइम लेता है ऐसे रिसेट होने में, अभी ठीक तरह से काम करने लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो गैलरी में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थे, अभी जो मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताया था, तो यहाँ से मतलब डिलीट हो चुके हैं। और फोन स्टोरेज में जो फाइल मैनेजर है उसमें से भी सब कुछ डिलीट हो चुका हुआ होगा। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।